हेलो बच्चों आज हम शुरू करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर कल हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था और हमने उस लेक्चर में आपको बताया था कि इस कैपिटल जी की इस कैपिटल जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्या है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइट सो देखिए द ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर क्या है न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी रेस टू माइनस टू क्या है ऐसा यूनिट क्या है किसका कैपिटल जी का कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट और इसी कैपिटल जी का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वेयर स्कूल टू माइनस टू न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी टू माइनस टू ओके दे वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर बाई हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने वैल्यू ऑफ जी को फर्स्ट टाइम मेजर किया उनके एक्सपेरिमेंट के साथ वो वैल्यू क्या आती सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस्टू माइनस इलेवन मीटर के जी रेस टू माइनस टू क्या थी वो वैल्यू सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेर के जी रेस टू माइनस टू यह क्या है इसका एस आई यूनिट है किसका जी का जी यानी कि क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी यानी कि क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ओके देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन साइड और आउटसाइड ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड देखिए आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि आपके पास एक स्केल थी जो कि तीस सेंटीमीटर की या फिर पंद्रह सेंटीमीटर की स्केल आप इस्तेमाल करते हो और उस स्केल को आपने एक उंगली के ऊपर रखकर बैलेंस करने की कोशिश बचपन में जरूर की होगी राइट right? अब वो बैलेंस कब होती थी जब आपकी उंगली आप उस सेंटर ऑफ मास के एग्जैक्ट पॉइंट पे रखते हो कब बैलेंस होगी जब आपकी उंगली उस सेंटर ऑफ मास के एग्जैक्ट पॉइंट पे रखी होगी राइट right? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि ऐसा पॉइंट होता है पॉइंट इस तरीके का पॉइंट होता है जहां पे दोनों टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कंसंट्रेटेड रहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट वो एक तो आउटसाइड हो सकता है या फिर इनसाइड हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूमड टू बी कंसंट्रेटेड टोटल मास वहां पर क्या है कंसंट्रेटेड है अब देखो स्केल कौन सी चीज है स्केल इज सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट स्केल क्या है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसलिए उसके एग्जैक्ट सेंटर पे क्या है उसका सेंटर ऑफ मास है क्या है सेंटर ऑफ मास जिसको हम क्या बोल सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट राइट अब देखो जस्ट मिनट ओके सेंटर ऑफ़ मास को हम क्या बोल सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं right? राइट अब सेंटर ऑफ मास का आपको समझ गया और वैल्यू ऑफ जी क्या है वो भी आपको समझ गई वो किस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी अंडरस्टूड ओके सो वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड मिनिट ओके अब इस स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या लिखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिखा है एम इज मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ओके वी इज इट्स स्पीड वी क्या है उसकी स्पीड है राइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन इट कैन बी शोन दैट दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस फोर्स विच मींस सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी अपॉन आर ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेकेंड लाइन में क्या कहा जा रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टूवर्ड्स द सन मस्ट बी एफ इक्वल्स टू फिर से एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर मतलब प्लैनेट्स के ऊपर भी जो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है सन के तरफ उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं एम अपॉन आर के फॉर्मूला से उसको हम यूज करते हैं राइट वेर एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अब इस केस में क्या होगा ये जो m है मैं इसको इधर लिख देता हूं एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वे अपॉन आर तो यहां पर ये जो m है m क्या है मास मास प्लैनेट m क्या है मास ऑफ द प्लैनेट देन v इज इट स्पीड v क्या है उसकी स्पीड है ओके एंड r इज द आर इज द डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स डिस्टेंस फ्रॉम द सो प्लैनेट केस में हम इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं जैसे कि एम क्या है मास ऑफ द प्लान वी क्या है उसकी स्पीड एंड आर क्या है सन से लेके उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस सन से लेके उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस ओके okay? ये क्लियर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके डन नेक्स्ट स्लाइड देखिए अब यहां पर एक डेरिवेशन दिया है डेरिवेशन क्या है एक बार ध्यान से देखेंगे देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा टाइटल वही है क्या लिखा है द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी एज फॉलोज है ना मतलब कितना उसको स्पीड लगता है तो उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल टी को कंसिडर कर रहे हैं किसको कंसिडर कर रहे हैं हम कैपिटल टी को ओके द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लानिट इन वन रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में भले ही उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल हो लेकिन फिर भी वन रिवोल्यूशन में जो प्लेनेट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं सर्कुलर मान लेते हैं तो वो क्या आएगा 2 पाई r कितना आएगा वो 2 पाई r जिसको हम क्या बोलते हैं पेरिमीटर ऑफ द ऑर्बिट पेरिमीटर ऑफ द ऑर्बिट देन r इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन r क्या है डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन जैसे कि हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा f m v2 r ओके okay? सो so, वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या है डिस्प्लेसमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन मतलब टोटल टाइम उसको कितना लगा डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन और यहां पर डिस्टेंस कितना कंसिडर कर रहे हैं हम टू पाए आर कितना कंसिडर कर रहे हैं हम टू पाए आर एंड टाइम कितना है कैपिटल टी क्या टाइम कितना है कैपिटल टी जिसको हम क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम इसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राइट आगे अब हमारे पास फोर्स का भी एक फॉर्मूला है क्या है एम वी आर जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है कौन सा फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर अब हमें दो चीजें इसमें से पता है कौन सी दो चीज़ें पता है सबसे पहले तो हमें v की वैल्यू पता है जो कि हम इस फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे टू पाए आर अपॉन कैपिटल टी ओके अब इस फॉर्मूला के अंदर जब हम इस वी की वैल्यू वैल्यू को डालेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा ये टू का स्क्वेयर होगा पाए का स्क्वेयर होगा अब यहां पे सिंगल आर क्यों है बिकॉज ऊपर भी आर का स्क्वेयर है और नीचे भी मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या है आर है ओके okay? वो आर आर गेट कैंसिल और ये जो टी का स्क्वेयर है इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया सो so, हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगा फोर एम पाए स्क्र अपॉन टी बन के आएगा इक्वेशन फोर एम पाए स्क्वेर आर अपॉन टी स्क् राइट अब इस केस में हमने क्या किया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय R square. R square से हमने मल्टीप्लाई किया है आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया है एंड क्या किया है डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वेयर ओके देखो अब उसी फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं यहां पर आपको आर स्क्वेयर दिख रहा है और टी स्क्वेयर भी दिख रहा है क्या दिख रहा है क्यूब एंड दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको आर क्यूब एंड टी मतलब हमने केपलर का एक लॉ देखा था केपलर का लॉ क्या कहता है हमें इक्वल्स टू अपॉन आर क्यूब केपलर का लॉ क्या कहता है के इक्वल्स टू टी स्क्र अपॉन आर क्यूब अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा उल्टी चीजें दिख रही है कैसे दिख रही है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर दिख रहा है राइट right? So, हम इसको कैसे लिख सकते हैं वन बाय के लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन के इसका ही हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया उल्टा कर दिया okay? so, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा एफ इक्वल्स टू फोर एम पाए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर के एफ इक्वल्स टू फोर एम पाए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर के ओके बट फोर एम पाए स्क्वेयर अपॉन के जो है ये क्या है कांस्टेंट है ये क्या है कांस्टेंट कैसे फोर एक नंबर है वो भी कांस्टेंट रहेगा हम किसी भी चीज का जब मास कंसीडर करते हैं तो वो मास भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट और के की वैल्यू भी हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट इसलिए ये जो वैल्यू है ये हमें क्या मिल जाती है कॉन्स्टेंट मिल जाती है कौन सी वैल्यू फोर एम पास्क अपॉन के हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स इक्वल्स टू टू अब इस डेरिवेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है देखो ये तो कांस्टेंट है इसको हमने हटा दिया लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर आर का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सन किसके आर स्क्र के वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर आर है ना फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर ऐसा बोलना पड़ेगा अगर इस भाषा में बोलना है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन बाय आर स्क्वेयर ऐसा भी बोल सकते हैं दो चीजें हैं आपके पास फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वन बाय आर स्क्वेयर ओके यहां तक चीजें क्लियर है तो यह जो डेरिवेशन हमने यहां पर देखा है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है एफ इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्कवल्स टू वन अपॉन आर स्क्वेयर यह रिलेशन हमें यहां पर मिल गया है ओके okay? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो वे आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देखो न्यूटन कंक्लूडेड दैट द देंट्रिपिटल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्क्यूलर मोशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन मतलब जो हमें इस फॉर्मूला में मिला क्या आर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर तो यही इस स्टेटमेंट में बताया गया है क्या कहता है न्यूटन ने इस डेरिवेशन से क्या कंक्लूड किया कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज फॉर प्लान मोशन ये जो फोर्स है ना एफ ये सेंट्रिपिटल फोर्स जिस प्लैनेट के ऊपर एक्ट हो रहा है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके सर्क्यूलर मोशन के लिए मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन ये आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन ओके ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको जो हमने डेरिवेशन में देखा है उसी का ही ये स्टेटमेंट है जो कि हमने हमें न्यूटन ने दिया है ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देखो यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है क्या न्यूमेरिकल है महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर सेवेंटी फाइव के जी एंड एटी के जी रिस्पेक्टिवली है ना महेंद्र एंड विराट जो है वो एक ही बेंच पे बैठे थे और महेंद्र का मास कितना था जिसको हम एम वन कंसिडर करते हैं सेवेंटी फाइव के जी एंड विराट का मास कितना था 80 केज यहाँ पे विराट कोहली को याद करने की जरूरत नहीं है ओके okay. सो so, दोनों के मासेस m1 एंड m2 हमें गिवन है हमारे पास g की भी वैल्यू है क्या है ये 6.67 10 रे टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर केजी स्क्वायर या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के जी रेस टू माइनस टू दोनों एक ही चीज है अगर आपको ये सही लगता है तो ये रखिए अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं पर के जी स्क्वेयर न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्र न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्र ओके अब हमें क्या निकालना है वॉट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कितना है राइट right. सो so, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है जी एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी इन टू वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, क्या है जी इक्व एफ इक्वल्स टू जी इन टू वन एम टू अपॉन डी स्क्वेयर राइट अब डी क्या है ये हमने कल डिस्कस किया है. लेकिन फिर से बता देता हूं फोर्स जो है यह कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें निकालना है किन दोनों के बीच में से निकालना है महेंद्र एंड विराट के बीच में से हमें निकालना है क्या निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स राइट अब हमें एम वन भी पता है और एम टू भी पता है है ना एम वन क्या है और जी भी पता है जी की वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन ओके यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या है एम वन दैट इज सेवेंटी फाइव के जी मल्टीप्लाइड बाय एम टू दैट इज एटी के जी रिस्पेक्टिवली अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वन मीटर और वन का स्क्वायर क्या रहता है वन वन का स्क्वायर क्या रहता है वन ओके okay. राइट, right? सो so, ये क्या बन जाएगा 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू माइनस इलेवन इंटू सेवन इंटू एटी इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएगी अब इसको आपको खुद को सॉल्व करके देखना है ये बहुत आसान चीज है अगर आप टेंथ में आ चुके हो तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है ओके क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा 4.002, पॉइंट जीरो जीरो टू फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन रेस टू इंटू टेन टू माइनस सेवन न्यूटन आना चाहिए 4.002 पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन न्यूटन फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन टू माइनस सेवन न्यूटन ठीक है अगर इसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो 4.002 पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन और फोर्स का यूनिट क्या रहता है न्यूटन क्या रहता है न्यूटन सो so, हमें नीचे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन महेंद्र एंड विराट दर फोर the gravitational the gravitational force acting between mahindra and virat is is 4.002 into 10 raised to minus 7 न्यूटन है ना ये yes no? हाँ इसमें अगर किसी को परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर पेपीटी में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा राइट अभी आप टेंथ में आ चुके हो तो ये तो आपको आना ही चाहिए ये तो आपको आना ही चाहिए राइट यहाँ इसमें किसी को दिक्कत है क्या नहीं ओके अब अगर एक चीज आप देखो तो यहां पर ये जो फोर्स है फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन है कितने कितने जीरोज है वन के सामने लगभग सात जीरोज है कितने जीरोज है सात जीरोज और इतने बड़े नंबर से अगर इसको विजुअलाइज करना है आपको मतलब फोर पॉइंट जीरो जीरो टू अपॉन कैसे लिखना पड़ेगा मुझे एक दो तीन चार पाँच छ सात है ना इतने इतने बड़े नंबर से हमने 4.002 को डिवाइड किया है और फिर जो वैल्यू आई है वो क्या है इन दोनों के बीच का यानी कि महेंद्र एंड विराट के बीच का क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स राइट अब आप सोचोगे सर इतने बड़े नंबर से डिवाइड किया है तो ये फोर्स तो काफी कम है यस yes, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है लेकिन आप बोलोगे सर इतना कम फोर्स है लेकिन फिर भी हर चीज़ को धरती अपनी तरफ क्यों खींचती है फिर है ना हम तो हवा में उड़ने चाहिए थे क्यों नहीं उड़ते इतना कम फोर्स होने के बावजूद भी इसका रीज़न ये है कि हमारे अर्थ के पास मास बहुत ज़्यादा है और आपको मैंने कल ही बताया था कि मास अगर इसके अंदर जितना मास बढ़ता है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है बढ़ता है सो ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैविंग ह्यूज मासेस एंड ड्यू टू दर ह्यूज मासेस दे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन दम इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है आ गई बात समझ में ये फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा अब इसी को भी आप एक कॉर्नर uh, में लिख सकते हो है ना कुछ कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है तो इसको भी आप लिख सकते हो ओके okay? और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये भी लिखना आपको नहीं भूलना है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ओके यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ओके डन देन मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल इन योर बुक ओके okay. क्या है एग्जाम्पल नंबर टू इन द अब एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शन लेस है ना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्या है क्या बताया जा रहा है कि जो ऊपर का एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके अंदर महेंद्र एंड विराट एक बेंच के ऊपर बैठे थे उनका कहना यह है कि आप ऐसा अज्यूम करो कि वो जो बेंच है जिसके ऊपर महेंद्र एंड विराट बैठे है वो क्या है फ्रिक्शनलेस है क्या है फ्रिक्शन लेस स्टार्टिंग विधसिटी वॉट विल बी महेंद्रिटी ऑफ द मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर वन सेकेंडी चेंज टाइम एंड हाउ देखो मैं समझ सकता कि आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कन्फ्यूजिंग कैसे आप बोलोगे सर ये इसकी तरफ मुंह क्यों होगा है ना ये इसको थोड़ी ऐसे उसकी तरफ जाना है है ना ऐसा कुछ करना है कि इसको महेंद्र और विराट को नहीं लेकिन हमको एक कंडीशन दी है कंडीशन क्या है जो बेंच है वो क्या है फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन लेस जब हम कंसिडर करते हैं तो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट होती है किस तरीके से डिफरेंट होती है किसी भी फ्रिक्शन लेस चीज के ऊपर अगर आप बैठे हो तो ये जो स्मॉल फोर्स हमने निकाला था ना कुछ इस तरीके का फोर पॉइंट जीरो जीरो टू इन टू टेन रेस टू इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपको समझने के लिए ठीक इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाँ ये जो इतना स्मॉल फोर्स जो हमने लिखा था ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंडीशन क्या है अगर वो दोनों फ्रिक्शन लेस बेंच के ऊपर बैठे हैं तो ये जो स्मॉल फोर्स है दिस इज टू मच स्मॉल फोर्स ये स्मॉल फोर्स भी उनको क्या करेगा एक दूसरे की तरफ खींचेगा क्या करेगा एक दूसरे की तरफ खींचेगा क्यों? बिकॉज वो ऐसे बेंच पे बैठे हैं वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है आ गई बात समझ में इसलिए हमको क्या बोला जा रहा है स्टार्टिंग विथ जीरो यानी कि यू क्या है यू को हम किससे डिनोट करते हैं यू मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी और क्या बोला जा रहा है हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है उनकी जीरो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो वॉट विल बी महेंद्रज वेलॉसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर वन सेकेंड है ना वन आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड महेंद्र की वेलॉसिटी महेंद्रज वेलॉसिटी टूवर्ड्स विराट क्या है यही सवाल हमसे पूछा है क्या क्या है? कितनी है? है right? कितनी देखो, अब इसको solve करने के के लिए, हाँ, will this velocity change with time and how? हमको एक और सवाल पूछा है कि क्या ये के साथ साथ चेंज होगी और किस तरीके से चेंज होगी अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको क्या बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या कहता है यू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू Plus +80 है ना अब यहां पे u आपको पता है v आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है राइट right? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमारे पास ये टाइम तो पता है टाइम कितना है 1 सेकंड है लेकिन एक्सीलरेशन पता है क्या नहीं तो हमारे पास फोर्स का एक फार्मूला है क्या है फोर्स इज इक्वल्स टू मास एक्सीलरेशन अब इसी से हम एक्सीलरेशन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं a equals to इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास है ना एक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं एक्सलरेशन अब फोर्स हमें पता है. Force कितना है हमने अभी अभी निकाला है सो so, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम एक्वल्स टू एफ अपॉन एम ओके फोर्स कितना है फोर पॉइंट जीरो जीरो टू Into raised to minus newton. Upon mass कितना है? Mass किसका consider करेंगे महेंद्र का मास कितना है यहां पर लिखा है given में। force on okay. And mass of कितना है सेवनटी फाइव के जी कितना है सेवेंटी फाइव के जी अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं right? राइट या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा सा सॉल्व करो किताब नोटबुक लेके बैठो और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये जो सॉल्विंग आपने किया है ये आपको काम आएगा राइट right? यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको एग्जाम में उसको सॉल्व करके ही लिखना है उसको सॉल्व करके ही लिखना है क्या आएगा आंसर फाइव पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्ट्री फोर इंटू टेन टू माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्ट्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद ओके अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया एक बात ध्यान दो इधर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्यों लिखा मैंने बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्र किसका यूनिट है एक्सलरेशन का यूनिट है किसका यूनिट है एक्सलरेशन का बराबर और यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सलरेशन अब हमें ए पता है राइट right? उसके बाद में टी पता है उसके बाद में यू पता है तो इजीली हमारा जो सवाल है जिस, जिसके अंदर हमें वी फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ आपको क्या करना है इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट आउट करनी है इस इक्वेशन में क्या करना है आपको वैल्यू पुट आउट करनी है किस कैस किस तरीके से v इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है बेटा जीरो प्लस a की वैल्यू क्या है फाइव पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन राइट उसके बाद t की वैल्यू क्या है वन ओके okay? t की वैल्यू क्या है वन अब इसको कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सा जवाब है और सिंपल सा Uh, उसका आंसर है क्या है फाइव पॉइंट थ्री फोर इन टू टेन रेस टू माइनस नाइन यहां पर यूनिट क्या दू मैं आप ही बताओ यूनिट क्या दू बेटा यहां पर है ना यूनिट क्या दू वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम यूनिट क्या है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ वेलॉसिटी एंड दिस इज एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है नहीं तो आपका एक मार्क चला जाएगा चाहे आपका आंसर कितना भी करेक्ट क्यों ना हो चाहे आपका आंसर कितना भी करेक्ट क्यों ना हो कितने ही स्टेप्स आपने क्यों ना लिखे हो लेकिन एग्जामिनर ये मार्क आपका काट सकता है काट सकता है आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या लिखना पड़ेगा महेंद्रज वेलोसिटी आफ्टर वन सेकेंड विल बी क्या लिखना पड़ेगा लिखेंगे आप देर फॉर देयर फॉर महेंद्राज महेंद्रज महेंद्राज वेलोसिति आफ्टर आफ्टर वन सेकेंड विल बी अब ये जो वेलोसिटी है ये काफी छोटी है राइट right? आपको दिख रहा है टेन रेस टू माइनस नाइन मतलब बहुत कम वेलोसिटी से वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा राइट right? देखो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको क्लियर है राइट right? इसमें सभी चीजें हमने डिस्कस की है ओके okay? उसके साथ साथ ये जो गिवन डेटा है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आप लिख लो और ये अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो नोटबुक में आपके

वॉटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वॉटर देर गोज अप अपड एट दैट प्लेस एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट नाइंटी डिग्री देखो यहाँ पर जो अर्थ का एंड मून का जो ग्रेविटी है उस वजह से लो टाइड एंड हाई टाइड्स क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ये जो मून की जो ग्रेविटी है इस पानी को क्या करती है अपनी तरफ खींचती है और अर्थ के दो साइड पे पे 90 डिग्री पे क्या होते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर इज मिनिमम एंड लो टाइड्स ऑकर देयर जहां पे वाटर लेवल मिनिमम रहती है कम होती है वहां पर हम क्या बोलते हैं लो टाइड और जहां पे वाटर लेवल बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं हाई टाइड्स ओके अंडरस्टैंड देखो बच्चों, हम देखने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देखने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे कुछ सवाल आपके लिए पूछे हैं सबसे पहला सवाल क्या है विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेंस कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम है ना जो स्टोन या फिर आपका क्रिकेट का जो बॉल है उसको जब आप ऊपर फेंकते हो तो यह सवाल पूछा है कि क्या उसकी वेलॉसिटी टाइम के साथ चेंज होगी या कॉन्स्टेंट रहेगी राइट तीनों सवालों के जवाब देखेंगे दूसरा सवाल क्या है हाउ इट चेंज वो किस तरीके से चेंज होगी Then, तीसरा सवाल क्या है स्टोन मूव ऑल द टाइम है ना क्या है कि स्टोन हमेशा ऊपर की तरफ मूव क्यों नहीं करता मतलब क्या पूछा है कि वो नीचे क्यों आता है राइट देन वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो स्टोन चाहे आप क्रिकेट का वो टेनिस बॉल कोई भी कंसीडर कर सकते हो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद वो फॉल क्यों होता है एंड व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन उसकी मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगी चार सवाल आपसे पूछे हैं अब सबसे पहले सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं जब आप उस स्टोन को या फिर आपके गेंद को जब ऊपर फेंकते हो राइट right? तो वो उसकी वेलोसिटी जो है उसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है क्या होती है डिक्रीज वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज एंड उसके बाद why doesn't द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम ऑल द टाइम वो ऊपर क्यों नहीं मुकरता? करता बिकॉज उसके ऊपर Earth का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है अब सवाल यह है कि वो कब तक एक्ट करेगा राइट right? मतलब जब तक वो जिस हिसाब से आपने उस स्टोन को उस गेंद को क्रिकेट के बॉल को आपने ऊपर फेंका है राइट right? तो जब तक उसके पास वो पोटेंशियल एनर्जी है तो उस हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो एक मैक्सिमम हाइट आएगी उस मैक्सिमम हाइट पे उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो और जब उस मैक्सिमम हाइट पे उस बॉल की उस स्टोन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसके बाद उसके बाद वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे धरती की तरफ चला आएगा यस और नो यस किससे किस एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ओके okay? क्या पूछा है लास्ट सवाल व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट सर्टेन हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होती है अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है एंड व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन उसकी मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड है जितने जोर से जितनी ताकत लगा के आपने उस स्टोन को उस आपकी क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंका है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है यस yes यस no? yes. और और नो उस हाइट पे जीरो एंड किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आता है अंडरस्टूड ओके क्लियर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये हमने पहले भी पढ़ा था मैंने लास्ट uh, लेक्चर में आपको बताया था कि अर्थ का जो है अर्थ ऐसे स्पेरिकल शेप में है किस शेप में है स्पेरिकल शेप में और चाहे अर्थ के किसी भी पोल पे या इक्वेटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो ग्रेविटी है उस पर्सन को उस ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे खींचने की कोशिश करेगी हमेशा कहाँ पे खींचने की कोशिश करेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ चाहे ये आदमी यहां भी क्यों ना खड़ा हो इस पोजीशन पे फिर भी वो उसकी वो ग्रेविटी क्या करेगी उसको सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करेगी राइट right? चाहे ये आदमी यहां पे क्यों ना खड़ा हो फिर भी वो ग्रेविटी क्या करेगी उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी राइट देन व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है और नीचे खींचने की कोशिश करता है इसी वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है डिक्रीज ओके दैट ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर भाई मतलब जब वो ऊपर जा रहा है जा रहा है और ऊपर जा रहा है लेकिन वो जो ग्रेविटी है उसको खींच रही है नीचे पुल कर रही है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर अ वाइल और जीरो वेलोसिटी होने के बाद मैंने आपको जैसे पहले ही बताया वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या आता है नीचे आता है और नीचे आते वक्त उस ऑब्जेक्ट की उस चीज की डायरेक्शन किधर रहती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्शन किधर रहती है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है अंडरस्टूड यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ ओके okay? तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया आ चुका होगा ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देखो एक और एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जो कि सोल एग्जाम्पल है आपके बुक, बुक में कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल देखो यहां पर मास ऑफ द अर्थ गिवन है क्या गिवन है मास मास अर्थ दैट इज एमवन एमवन की वैल्यू क्या है सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी ओके देन रेडियस ऑफ द अर्थ भी क्या है Radius of the earth भी क्या है Given है है okay? उसके बाद mass of Mahindra, that is M2, कितना जी एंड कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी हमें पता है दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेर के जी स्क्वेयर राइट चारों चीजें हमें पता है अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वेयर आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ आर मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ ओके क्योंकि हम अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं ओके okay? अब यहां पर हम क्या कर देते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं सबसे पहले जी की वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन ओके उसके बाद एम वन की वैल्यू क्या है सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर उसके बाद एम टू की वैल्यू क्या है देन मास ऑफ महेंद्र कितना है सेवेंटी फाइव ओके अब अब क्या करते हैं इधर नीचे आर का क्या है स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स इसका क्या बताया है स्क्वेयर क्या बताया है स्क्वेयर ओके okay. आगे सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स ब्रैकेट का क्या है स्क्वेयर है ब्रैकेट का क्या है स्क्वेयर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आपको यहां पे समझा देता हूं राइट right. किस तरीके से है चीजें देखो सबसे पहले 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन इंटू सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर राइट इंटू सेवनटी फाइव अपॉन इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं सिक्स पॉइंट फोर का स्क्वायर कितना होता है आप मुझे बताइए सिक्स पॉइंट फोर का स्क्वायर कितना है स्क्वायर ऑफ सिक्स पॉइंट फोर

आपको पता है ये 12 और ये और इसमें से माइनस हो जाएंगे मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्या है फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स ओके अब इसको भी हम टेन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे का कैलकुलेशन आपको करना है आगे का कैलकुलेशन आपको करना है ये सिंपल सिंपल चीज है अब ये क्या है सिंपल चीज है यहां से माइनस हो जाएंगे कितने बचेंगे सिर्फ टेन बचेंगे राइट देन सिक्स पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड जाएंगे टेन मल्टीप्लाइड सिर्फ सिक्स मल्टीप्लाइड राइट सेवेंटी डिवाइडेड बाई फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स तो आंसर क्या आना चाहिए आपका सेवन थर्टी थ्री न्यूटन क्या आना चाहिए सेवन थर्टी थ्री न्यूटन क्या आंसर आना चाहिए सेवन थर्टी थ्री न्यूटन अंडरस्टूड ये एग्जाम्पल समझ में आ गया क्लियर है ओके okay. अब इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो उसकी वेलासिटी कितनी होगी आफ्टर वन सेकेंड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है इसलिए हमने यू को क्या लिया है जीरो फोर्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर सेवन थर्टी थ्री न्यूटन मास ऑफ महेंद्र कितना है सेवन के जी एंड टाइम कितना है तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्या find out करने के लिए बोला व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी तो पिछला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसी हिसाब से चीजें काम करेगी हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का एक फॉर्मूला है क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स अपॉन क्या करना पड़ेगा मास अब फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, है महेंद्र के ऊपर सेवन थर्टी थ्री कितना एक्ट हो रहा है सेवन थर्टी थ्री एंड उसका मास कितना है सेवेंटी फाइव अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है नहीं तो हम इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं बाकी बाद में जब हम न्यूमेरिकल के अंदर इसको डालेंगे न्यूमेरिकल के अंदर जब हम इसको, इसको इस्तेमाल करेंगे आगे सॉल्व करते वक्त इसका यूनिट लिख देता हूं मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके अब आगे हमारे पास एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ Motion according to the according to the Newton's first equation of motion. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी अब इसके अंदर महेंद्रिटी आफ्टर वन सेकेंड क्या लिखू मैं यहां पर महेंद्राजेलॉसिटी आफ्टर आफ्टर महेंद्राज वेलॉसिटी आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड क्या होगी देखो v इक्वल्स टू यू कितना है रेस्ट पे पोला है तो u की वैल्यू क्या है जीरो प्लस एक्सलरेशन कितना है अपॉन राइट उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है वन सेकेंड टाइम कितना है वन सेकेंड सो v इक्वल्स टू सेवन थर्टी थ्री अपॉन सेवेंटी फाइव क्या आता है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ देखो बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करोगे 733 अपॉन 75 तो इसका आंसर क्या आएगा 9. पॉइंट क्या आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड क्या आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड 733 अपॉन सेवेंटी मतलब v हमें क्या मिलेगा v इक्वल्स टू 9.77 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे हमें वर्ड में भी एक आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट में क्या पूछा है हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा क्या लिखेंगे वॉट विल वेलोसिटी ऑफ आफ्टर वन सेकेंड इफ महेंद्र इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स देखो महेंद्र द

ओके दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया है समझ में आया है कुछ ना कुछ वैल्यू अगर हमने डिलीवर करने की कोशिश की है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और उसके साथ साथ शेयर कीजिए और अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए थैंक यू सो मच गाइड्स